अस्सलाम वालेकुम। आज हम आलू के स्लाइसेस बनाएंगे। आलू के स्लाइसेस बनाने के लिए आलू हमने लिए हैं आधा किलो। आलूओं को हमने पील करके इसके हमने गोल गोल स्लाइसेस बारीक काट लेने हैं। काट कर इनको हमने पानी के अंदर रखना है ताकि आलू काले ना हो। कुकिंग ऑयल लेंगे 1/4 कप। प्याज हमने चॉप किया हुआ लेना है 1। टमाटर चॉप किए हुए लेने हैं 2, अगर छोटे हैं तो 2, अगर बड़ा है तो 1। हरा धनिया चॉप किया हुआ लेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। 2 चॉप की हुई हमने हरी मिर्चें लेनी है। पानी लेना है 1 कप। मसालों में हमें चाहिए नमक 1 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई मिर्च लेंगे 1 टीस्पून, साबुत ज़ीरा लेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून, मेथी दाना लेंगे 1/4 टीस्पून। अब हमने मीडियम आग पर एक पैन को गरम कर लेना है। इसमें हमने कुकिंग ऑयल डालना है 1/4 कप। साथ ही हमने मेथी दाना डालना है 1/4 टीस्पून। 1 टीस्पून भरकर हमने साबुत जीरा डाल देना है। थोड़ी सी देर तक हमने जीरे को फ्राई करना है ताकि जीरे की खुशबू आ जाए। जीरे की खुशबू अब आने लगी है। अब हमने इसमें प्याज डाल देना है। प्याज हमने 1 लिया है, इसको हमने चॉप कर लेना है। अब हमने प्याज को हल्का सा फ्राई करना है। 3-4 मिनट तक प्याज को हमने इसी तरह से फ्राई करना है। प्याज का कलर हमने चेंज नहीं करना, बस सौते करना है प्याज को। अब हम प्याज को नरम करेंगे। प्याज को हमने 3-4 मिनट तक सॉफ्ट कर लिया है, सौते कर लिया है प्याज को। अब हमने इसमें टमाटर डाल देने हैं। अगर बड़ी टमाटर है तो आप 1 ले लें, अगर छोटे टमाटर हैं तो फिर आप 2 ले लें। नमक डाल देंगे 1 टीस्पून या 2 टेस्ट, जितना आप खाते हैं उतना ही डाल लें। कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून। डालकर मिक्स कर देंगे। अब हमने मसाले को 2 मिनट तक फ्राई करना है। दो मिनट तक मसाले को हमने फ्राई कर लिया है। अब हमने इसमें आलू डाल देने हैं। आलू को हमने गोल गोल स्लाइसेस में काट लेना है। पील करके आलू डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये आलू आप सुबह नाश्ते में पराठे के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार लगते हैं। अब हमने इसमें 1 कप पानी डाल देना है। पानी डालकर ऊपर से हमने ढांप देना है। ढांप कर हमने आलूओं को पकाना है। आग को हमने हल्का कर देना है। हल्की आग पर पकाएंगे जब तक आलू गल जाएं। आलूओं को हमने ढांप कर पका लिया है। आलू अब बिल्कुल गल चुके हैं। इस तरह से आप तोड़ कर देखें, आलू बिल्कुल गल चुके हैं। अब हमने इस पे हरी मिर्चें डाल देनी हैं 2 चॉप की हुई, और हरा धनिया डाल देना है। आलूओं को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। बहुत ही जायकेदार आलू होते हैं,
इन आलूओं को आप पराठों के साथ खाएंगे तो बहुत मज़ेदार लगते हैं। सारा पानी हमने आलूओं में से खुश कर देना है। 1 से 2 मिनट तक हमने अब तेज़ आग पर आलूओं को पका लेना है। जो भी पानी है इसको हमने ड्राई कर देना है। दो मिनट तक हमने तेज़ आग पर आलूओं का पानी थोड़ा खुश्क कर लिया है। अब आलू हमारे रेडी हैं, आग को हमने बंद कर देना है। अब हमने इनको एक प्लेट में सर्व करना है। अब हमारे बहुत ही मज़ेदार आलू के स्लाइसेस तैयार हैं। इन आलूओं के स्लाइसेस को आप पराठों के साथ खाएं या नाश्ते में खाएं, ये आपकी मर्ज़ी है। बेहतरीन जायका है। इस तरह से आप भी बनाइए, खुद भी खाइए, सबको खिलाइए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो आप मेरे फेसबुक पर मैसेज करें या इस वीडियो पर कॉमेंट्स करें। मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।